का टच किस प्रकार से अक्षय भांगरे का हुआ, दो पॉइंट मिले और ये काम किया था आदर्श मोहिते ने। उसके बाद वजीर सचिन भार्गव गए, ये भी साधारण टच दिया गया था निलेश को, निलेश पाटिल को इन्होंने आउट किया। और जो तीसरा टच था वो ड्रीम रन के बाद हुआ था, आखिरी डिफेंडर जो बचे थे सागर पोद्दार, अनिकेत पोटे से जो आप उम्मीद करते हैं कि डिफेंस में मैट पर ज्यादा टाइम बिताएं, अनिकेत पोटे ने वही किया। चतुराई क्या की, पोल से शुरुआत की और उसके बाद बैठे हुए अटैकर्स के बीच में से चेन डिफेंस करते हुए निकले। जिस तरह से चेन के दो हिस्से एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं, उसी तरह से बैठे हुए अटैकर्स के बीच में से चेन बनाते हुए अनिकेत पोटे निकले। शाबाश बेटे, वेरी गुड, वेल डन, हाफ जीत गए हम मैच, हाफ मैच जीत गए हुए, ध्यान से ऑल आउट, ऑल आउट बेटे, वेरी गुड, चलो चलो चलो, यस वेरी गुड, वेरी गुड भाई। ये कॉन्फिडेंस हमको चाहिए सभी। अभी दूसरी टर्न में आधा मिनट हुआ है और संदीप शर्मा साहब कह रहे हैं आधा मैच जीत गए। उसका कारण ये है कि आपने विरोधी टीम के तेलुगु योद्धास के पहले बैच को 36 सेकंड में आउट कर दिया है। इस तरह से ये पहला पोल डाइव किया रंजन शेट्टी ने, जो टीम के कैप्टन हैं। उसके बाद एक और पोल डाइव, पलक झपकते ही दूसरे ओर सुयश ने वो कारनामा कर दिखाया और अंततः वजीर जब सक्रिय रहेंगे, अभिनंदन पाटिल डिफेंडर्स का कभी भी अभिनंदन नहीं करते हैं ये। जल्दी ड्रीम रन पा चुके हैं, दोबारा मिलेंगे तेलुगु योद्धास को, क्या कमाल का ये मैच, यानी लीड में दोबारा से तेलुगु योद्धास आ गए हैं। 3 मिनट से ज्यादा का टाइम, तकरीबन 3.25 मिनट बिता लिए हैं, तो गुजरात जायंट्स की बेहतरीन शुरुआत, पहले बैच ने 4 पॉइंट का ड्रीम रन पूरा किया। और कुछ इस तरह से पी सिवा रेड्डी लगातार चेन बनाते जा रहे, एक ओर से दूसरी ओर खूबसूरती के साथ अपनी दिशा बदलते जाए, अपने शरीर को एक एक कोने पर ले जाकर लगातार मोड़ते गए और उसके बाद पाए ये ड्रीम रन। कितने ट्विस्ट आएंगे कहानी में। डिफेंडर रिव्यू, आवर डिसीजन इज आउट, डिफेंडर इज सेइंग नॉट आउट, प्लीज रिव्यू। देखिए सीधा साधा गणित है, अगर तो ये स्काई डाइव हुआ है तो गुजरात जायंट्स अनौपचारिक तौर पर अभी मैच जीत जाएंगे, इसीलिए आदर्श मोहिते ने यह रिव्यू लिया है। टच तो उनकी जर्सी को किया है पी सिवा रेड्डी ने, यहीं से दिखाई दे रहा है। पहले बाजू पे अच्छा खासा टच हुआ, उसके बाद कमर के पास भी। डिफेंडर इज आउट, रिव्यू ओवर। गुजरात जायंट्स मैच जरूर जीत चुके हैं, लेकिन क्या तेलुगु योद्धास यहां से एक पॉइंट लेकर जाएंगे, ये आखिरी बचे हुए पल बेहद महत्वपूर्ण, सेलिब्रेट करते हुए जरूर, लेकिन क्या बच पाएंगे तेलुगु योद्धास की ओर से एक पॉइंट, लेकिन वापस एक बार जीत की ओर अग्रसर गुजरात जायंट्स।